पैसे का लेन देन घटना के बाद हुआ है उसको भी जांच सूत्र से सूत्र कराएंगे और गिरफ्तारी जल्दी होगी। और कल समाज ने निर्णय लिया है और पीड़िता ने भी, चूंकि लंबे समय से उनका एक तो अनाधिकृत रूप से बाडी जमीन में दफन रह गया लंबे समय तक, फिर इसके बाद शिनाख्त के बाद वो मेडिकल कॉलेज में है, तो कल दोपहर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा ऐसा निर्णय हुआ है। और इसमें समाज के सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि जो ज्यादा से ज्यादा उसमें उपस्थित रहेंगे, और आज आंदोलन समाप्त करने की बातचीत हुई है। बाकी मैं, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हमारे राम साहब आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने मुखारविंदु से समापन की और अंतिम संस्कार की अपनी घोषणा भी करें, क्योंकि यह है एक आंदोलन के साथ शोक का जगह भी रहा है। और मृतक और हमारे शहीद हुए संदीप जी को कल हम विधि विधान से परंपरागत कल अंतिम क्रिया करेंगे। आज मैं पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मीन जी, भूलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम कोराम जी और रावटे जी पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको, पीड़ित परिवार की उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से और 1,75,000 रुपये मैंने स्वयं की अपनी निधि से देने का आज घोषणा किया है। और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे। और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दो में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास की योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था करेंगे। ही सकारात्मक परिणाम आएंगे, पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी के सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करेंगे जी।